हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे आपका चैप्टर टू, यानी कि जो आपका चैप्टर टू है पॉलीनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.3। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 2.1 और 2.2 कराई थी, और उन वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये वाली एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज से आपको हमेशा एक क्वेश्चन 10th के बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, वो भले ही आपका CBSE वाला हो या UPI बोर्ड वाला हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है डिवाइड द पॉलीनोमियल px बाय द पॉलीनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको इसमें तीन पार्ट दिए हैं, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपका मैंने उतार लिया है। तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। इसमें आपको बोला है कि आपको क्वोशेंट निकालना है और डिवाइडेंड बताना है, और आपको क्या बताना है इसमें रिमाइंडर कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए इस वाले पॉलीनोमियल को इस वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो कैसे देंगे, देखिए आपने भाग देना, आप जानते हैं कि भाई मैंने इससे इसको भाग दूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे दूंगा मैं, ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर ली है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं भाग कैसे देते हैं, अगर मैंने 35 को 5 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 7 35। ठीक है, मैंने उसको साथ साथ डिवाइड कर लिया है, सेम ऐसे ही आपको यहां पे करना है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे सिंपल सा फंडा है, हर एक क्वेश्चन में आपको वही मेथड यूज करना है, आपने 9th में भी सीखे हैं। यहां पे पावर कितनी है x की, 3। ठीक है, लेकिन हमारे पास x की पावर कितनी है, 2। यहां पे x की पावर 3, यहां पे x की पावर 2, यानी कि मेरे को किस चीज की जरूरत है, मेरे को जरूरत है एक x की, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं x की पावर 2 में x की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3। अब बात आती है कि हमने x की पावर 3 क्यों ली भाई, हमने इसलिए ली क्योंकि हमें हमेशा केवल इसी एस्पेक्ट में सोचना है, यानी कि जो हमें इक्वेशन दी है हमें केवल उसी को सोल्व करना है। अगर यहाँ पे 5x³ होती तो मैं 5x³ लेकर आता किसी भी हाल में। तो जैसे यहाँ पे x की 3 है तो यहाँ पे x की 2 है, तो मुझे x की 3 लानी है। कैसे लेके आऊंगा, मैं इस वाले में x की क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए जैसे ही मैंने x²-2 में x की मल्टीप्लाई की तो x की x³ हो गया, x की 2 में माइनस का 2x। ठीक है, तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको यहाँ पर, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। मैंने क्या किया, 3 वाला 3 के नीचे, 1 पावर वाला 1 पावर के नीचे। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं चेंज करूंगा साइन, यानी कि जो चीज प्लस की है उसको कर दूंगा माइनस की, और जो माइनस की है उसको कर दूंगा प्लस की। तो देखिए यहाँ पे x की 3 प्लस की है तो मैंने क्या कर दिया इसको, माइनस की। यहाँ पे 2x प्लस माइनस का है तो मैंने क्या कर दिया इसको, प्लस का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। अब देखिए x की 3 प्लस की, x की 3 माइनस की, कैंसिल आउट। ठीक है, आपके पास बचा क्या, -3x²। ठीक है, आगे देखिए 5x प्लस के और 2x नहीं, क्या है प्लस के, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7x। ठीक, अब देखिए अब मुझे यह वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे -3x² लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, x² यहाँ पर है और x² यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या नहीं है, -3 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, -3 की x²-2 में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को ये वाला नंबर लेके आना है किसी भी हाल में। तो देखिए जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x² और -3 की जब 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो -± और 3 2 6, यानी मेरी जो वैल्यू निकल गई है वो आई है 3x² + 6। कब आई है, जब मैंने -3 की क्या की है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए माइनस का है तो प्लस कर दिया, प्लस का है तो माइनस कर दिया, सेम थे कट गए। अब देखिए मैंने यहाँ पे -3 साथ में इसको उतार दिया है। अब देखिए 7x वाला एज इट इज, -3 और -6 कितना हो गया, -9। अब जैसे ही इसकी पावर कितनी होगी यहाँ पे, 1, और यहाँ पे पावर कितनी है, 2, यानी कि मेरा जो रिमाइंडर है वो छोटा है ना,
किससे डिवाइडेंड से, तो यहीं पर हम अपनी प्रोसेस को रोक देंगे, यानी हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा आपका 7x-9, ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो जाएगा आपका x-3। तो आपको केवल यही बताना था, और ये कम से कम दो नंबर का आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है px और gx की वैल्यू आपको सेम ऐसे ही करना है। तो देखिए आपको gx की वैल्यू दी थी इन्होंने x2+1-x, लेकिन आपको पता है कि जो पॉलीनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले पावर 2 आनी चाहिए और फिर उसके बाद उससे कम वाली और उसके बाद उससे कम वाली। तो मैंने क्या किया, पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर बाद में x की पावर 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस gx से इस px को डिवाइड करूंगा। तो देखिए यहां पे x की पावर कितनी है 4, यहां पे x की पावर कितनी है 2, यानी कि x की पावर 4 और x की पावर 2 थी, तो मेरे को x की पावर किसकी जरूरत है, मेरे को जरूरत है x की पावर 2 की, ठीक है। अब मैं इस x की पावर 2 की किसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे वाले में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए कैसे होगा, जब मैंने x स्क्वायर की x स्क्वायर में की तो x की पावर 4, मैंने x स्क्वायर की x में की तो x की पावर कितनी हो गई 3, और जब मैंने x स्क्वायर की प्लस 1 में की तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस चीज को आप यहां पे लिख लीजिए, x की 4 माइनस x की क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया आपने, x स्क्वायर में, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, माइनस जो माइनस है उसको प्लस, जो प्लस का है उसको माइनस। तो देखिए माइनस प्लस कट गया, अब यहां पे पावर कितनी है 3, लेकिन यहां पावर 3 कहीं पे नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहां पे x की पावर 2 और यहां पे भी कितनी है x की पावर 2, लेकिन यहां पे 1x स्क्वायर है और यहां पे कितना है 3, ये भी माइनस का और ये भी किसका, माइनस का, यानी माइनस 1x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऊपर से क्या उतार लिया आपने 4x, आपने यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चाहिए आपको x की पावर 3, लेकिन आपके पास कितनी है x की पावर 2, यानी आपको किसकी चीज की जरूरत है, आपको जरूरत है x की। अगर आप x की x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x की पावर 3। तो मैंने x की मल्टीप्लाई करी इसमें, x की जब x स्क्वायर करेंगे x की 3, x की x में x स्क्वायर और x की 1 में करेंगे तो x, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे कॉपी राइट कर लिया 3x स्क्वायर माइनस x प्लस x, देखिए प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, ठीक है, सेम कट गया, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर, यानी सेम पावर को सेम पावर में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 4x स्क्वायर में से जब आप 1x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, 4x में से x ऐड करके कितना बचेगा, माइनस का 3x, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 5, यानी 5, आपने 5 को यहां पे उतार लिया, ठीक है। अब देखिए x की पावर 2, x की पावर 2 सेम है, लेकिन यहां पे कितना है, माइनस 3, और यहां पे माइनस 3 नहीं है, यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब माइनस 3 की करेंगे मल्टीप्लाई x स्क्वायर में तो माइनस 3x स्क्वायर, जब माइनस 3 की आप करेंगे माइनस x में तो माइनस माइनस प्लस 3x, जब माइनस 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस 3 बन जा माइनस 3, कैसे करेंगे, माइनस प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था क्या हो गया प्लस, सेम है कट गया, माइनस 3x माइनस 3x कितना हो गया, माइनस का 4x, 5 प्लस 3 कितना हो गया, प्लस का 8। तो ये आपका आपका रिमाइंडर, ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर, और जो आपका क्वेश्चन था वो क्या हो गया, ये होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आपने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया है, बहुत ही सिंपल था। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए बच्चों अब करते हैं आपका इसका थर्ड पार्ट। इसमें आपको दिया है gx की वैल्यू दिया है आपको 2 माइनस x स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको बोला है सबसे पहले क्या आनी चाहिए, बड़ी वैल्यू,
यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया और फिर लिखा मैंने कॉन्स्टेंट टर्म यानी प्लस का टू, ठीक है। अब करना क्या है आपको, इस वाली वैल्यू से डिवाइड करना है सेम टू सेम ऐसे ही। आपको यहाँ पे कितना चाहिए x की पावर 4, लेकिन आपके पास कितनी है x की पावर 2, यानी कि आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x की पावर 2 की, क्योंकि x की पावर 2 की जब आप x की पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 आ जाएगी। लेकिन ये किस चीज की है, प्लस की है माइनस की, ये है प्लस की और यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कि अगर आप माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी आप माइनस एक्स स्क्वायर की किसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर में। तो जैसे आप माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 4, माइनस एक्स स्क्वायर की 2 में करेंगे माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए एक्स की पावर 4 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे प्लस, कट गया तो यहाँ पे पावर कितनी 2, यहाँ पे पावर कितनी 1, चल नहीं पाएगी बात, तो मैंने इसको सेम टू सेम उतार लिया नीचे, और माइनस 5 को भी मैंने एज इट इज उतार लिया और प्लस 6 को मैंने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है माइनस, और लेकिन यहाँ पे प्लस का 2 है ना, तो आपको प्लस का 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे देखिए, जब माइनस 2 की माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 के एक्स स्क्वायर में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 की प्लस 2 में 2 बुझा 4, यानी जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर ऐसे ही ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो ये माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, माइनस प्लस कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस का 5x प्लस 4 और प्लस 6 प्लस का 10। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 2, यानी कि आपका रिमाइंडर जो है वो आपका डिवाइडेंड से क्या है छोटा है, तो यहीं पे रुक जाएंगे, यानी ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी आपको चेक करना है कि क्या ये वाला फैक्टर इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वो उसको क्या करेगा प्योरली डिवाइड करेगा, तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए जीरो, यानी उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए जीरो, ठीक है। तो हम चेक करेंगे अगर इस चीज से इसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो हमारा पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखिए सेम ऐसे करना जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, यहाँ पे टी की पावर 4, यहाँ पे टी की पावर 2, यानी कि टी की पावर कितनी 2 की जरूरत है, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे 2 नहीं है, यानी कि 2 की भी क्या है जरूरत है। तो जैसे मैं 2 टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें टी स्क्वायर माइनस 3 में, तो क्या जाएगा 2 टी की पावर 4, 2 3 जा 6 टी की पावर 2, ऐसे आप यहां पे लिख लेंगे 2 टी की पावर 4 माइनस माइनस 6 टी की पावर 2, पावर वाला सेम टू सेम उसके नीचे लिखना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं कहीं भी लिख सकते हैं। तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, फर्स्ट पोर्शन कैंसिल आउट। अब देखिए टी की पावर 3 वाला कोई पावर नहीं है यहाँ पे, तो मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 6 टी स्क्वायर माइनस का 2 टी स्क्वायर, यानी 6 में से 4 2 गया तो कितना बचेगा 4 टी स्क्वायर, किसका प्लस का, क्योंकि तो प्लस के 6 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए आपने ऊपर से क्या किया 90 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, यानी आपको 3 की जरूरत है, यहाँ के टी की पावर 3 है और यहाँ पे टी की पावर 2 है, यानी एक टी की भी आपको क्या है जरूरत है। तो जैसे ही आप 3 टी की मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर में तो क्या जाएगा 3 टी की पावर 3, 3 टी की जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 3 जा 90, ठीक है। देखिए 90 को 90 के नीचे लिख लीजिए माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस कट गया, बचा क्या आपके पास 4 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 90 और प्लस 90, ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट,
अब आपने ये उतार लिया बचा क्या माइनस 12, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए टी स्क्वायर बात बन गई, लेकिन यहाँ पे क्या है चार भी तो है साथ में भाई, तो क्या करेंगे इस चार के भी क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही प्लस 4 की मल्टीप्लाई करूंगा टी स्क्वायर में, तो के बन जाएगा यू बन जाएगा 4t स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर, 4 3 12 के माइनस के, तो ये माइनस 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 के प्लस हो गया, कट गो कट के क्या आगो जीरो आगो, जब जीरो आगो तो हम क्या करेंगे भाई जीरो आते ही क्या बन गया यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3 इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, बात खत्म। ऐसे ही करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको दिया है कि आपको ये चेक करना है कि ये वाला इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 नहीं है, स्टार्टिंग में 3 नहीं है ना, यानी कि 3 की जरूरत है। दूसरी बात यहाँ पे x की पावर 4 है यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी कि x की पावर 2 की भी क्या है भाई जरूरत है, तो मैंने x की पावर 2 भी लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा इस वाले के मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे पॉलिनोमियल में, यानी 3x2 की जब x2 में मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, 3x2 की जब मैं x2 में करूंगा तो 3x की पावर 4, 3x2 की जब मैं 3x में करूंगा तो 3 3 9, x2 में x की पावर 3, मैं जब 3x2 की 1 में करूंगा तो सेम टू सेम 3x2 आ जाएगा। ठीक है सब क्या है प्लस के हैं, तो क्या कर दें सबको माइनस के, सेम सेम है प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस के 9x3 प्लस के 5x3 क्या बचेगा माइनस का 4x3। ठीक माइनस के 7x2 माइनस के 3x2, तो माइनस के 7 और माइनस के 3 माइनस के क्या हो गया 10 हो गया, मैंने क्या किया ऊपर से 2x को उतार लिया। ठीक है अब देखिए यहाँ पे माइनस 4 यहाँ पे माइनस 4 नहीं है, यानी कि माइनस 4 की जरूरत है भाई साहब। ठीक है यहाँ पे x की पावर 3 यहाँ पे x की पावर 2, यानी किसकी जरूरत है x की पावर 2 और x की पावर 3 में किसकी जरूरत है भाई साहब, x की पावर 3 लाने के लिए x की जरूरत है, यानी कि माइनस 4x की मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस 3x प्लस 1 में। अब देखिए माइनस 4x की x2 में करेंगे तो 4x की पावर 3, माइनस 4x की 3 में करेंगे तो 4 3 12, और x की x में करेंगे तो x2, फिर माइनस 4x की जब 1 में करेंगे तो माइनस का 4x। देखिए सब किस चीज के हैं माइनस के, तो क्या कर देंगे सबको प्लस के। ठीक है माइनस प्लस कैंसिल आउट, देखिए प्लस के 12x2 माइनस के 10 क्या हो गया ये हो गया आपका 2x2, प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के 6x उतार लिया आपने ऊपर से क्या प्लस का 2। अब देखिए x square यहां बात बढ़ गई, लेकिन यहां पे क्या है अगर 2 यानी आपको 2 की जरूरत होगी तो आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x square, 2 की 3 में करेंगे 6x, और जब 2 की 1 में करेंगे तो 2, सेम सेम हो गया माइनस माइनस करेंगे कट गया सारा, कट के क्या आ गया भाई जीरो आ गया। अब जैसे ही कट के जीरो आया मेरे को पता लग गया कि ये वाला फैक्टर भी क्या है इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों में। ठीक है जो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, उसमें भी आपको करना क्या होगा चेक करना है कि इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए x की पावर कितनी है 5, लेकिन आपके पास कितनी है x की पावर 3, यानी जरूरत किस चीज की है x की पावर 2 की। ठीक है तो देखिए जब x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में तो देखिए क्या होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए x2 की जब x की 3 में करेंगे x की पावर 5, जब x2 की 3x में करेंगे तो 3x की पावर 3, जब आप x2 की 1 में करेंगे तो x2 बन जाएगा x2। ठीक है देखिए प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, कट गया तो बचा क्या
यहाँ पे 4x की पावर 3, तो यहाँ पे 3x की पावर 3, यानी 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस के x की पावर क्या बचा, 3 बचा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो गया 4। अब उतार लेते हैं आपका 3x प्लस 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी x की पावर 3, यहाँ पे भी x की पावर 3, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो आपको क्या करना होगा माइनस 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम वैल्यू आ जाती है, लेकिन साथ में क्या है माइनस, तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यानी माइनस का एक्स की क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस का 1। अब करते क्या अपन लोग, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, यानी कि ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, लेकिन प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया भाई। जब प्लस 1 और प्लस 1 2 हो गया, यानी कि इसका आंसर तो 0 आया नहीं, जब आंसर 0 नहीं आया यानी कि ये वाला जो फैक्टर है, यानी जो वाला पॉलीनोमियल है, इस वाले पॉलीनोमियल का कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है obtain all other zeros of equation if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 के एग्जाम में भी आया था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ये 2019 में 6 नंबर का आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन देखने में हार्ड लगता है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग। भाई आपको बोला है इसने कि दो जीरोज आपको दे रखे, ठीक है, तो आपको और अदर जीरोस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अदर टू जीरोस क्या होने हैं आपके, आपको x में से इसको घटा देना है, यानी x माइनस रूट 5/3, ठीक है, और x में से इसको घटा दो, x माइनस माइनस का रूट 5/3, ठीक है। अब क्या करना है, यानी x माइनस रूट 5/3 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी x प्लस रूट 5/3, ठीक है बच्चों। तो आपने इस वाले जो दो रूट थे, दो जीरोस थी, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, देखिए x माइनस a x प्लस a, यानी कि अगर आपकी कंडीशन बन गई है a प्लस b और a माइनस b का एक फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 5/3 रूट का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर, जब आप किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है, यानी क्या बचेगा माइनस का 5/3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो मैंने एलसीएम कितना आ गया यहां पे 3, यानी 3 की मल्टीप्लाई x में 3x स्क्वायर और 1 की मल्टीप्लाई भाई 5 में 5 बन जा 5। मैं इसको लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस 5, क्यों माइनस की जगह 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी जो पॉलीनोमियल होता है वो कब प्रूव होगा, जब उसका जो आंसर हो क्या आ जाए 0। तो जैसे ही मैं इसके बराबर 0 लूंगा तो जो 3 है वो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 में चला जाएगा, यानी 3 की 0 मल्टीप्लाई 0, और मैं 3x स्क्वायर माइनस 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बचेगा। तो यानी कि मैंने आप ये प्रूफ करने की कोशिश की कि जो ये वाला जो मेरा पॉलीनोमियल है वो इस वाले का क्या है फैक्टर है, तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे। यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस वाले इक्वेशन को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी 3x की 4 प्लस 6x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3x की पावर 4, यहाँ पे 3x की पावर 2, यानी x की पावर 2 की जरूरत है, तो x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x की 4, x की पावर 2 की 5 में करेंगे 5x की पावर 2, ठीक है। देखिए अब माइनस ये क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस कट गया, यहाँ पे पावर 3 है यहाँ पे पावर 2 है, यानी 3 वाला है जेट इसको उतार दिया मैंने,
टू एक्स की पावर टू प्लस फाइव एक्स की पावर टू, यानी कितना बचा है आपका प्लस का थ्री एक्स की पावर टू। ठीक है, मैंने ऊपर से माइनस टेन एक्स को उतार दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे x की पावर कितनी थ्री, यहां पे x की पावर कितनी टू, यहां पे कितना है छह, यहां पे कितना है थ्री, यानी अगर मैं थ्री में मल्टीप्लाई कर दूं टू पी तो कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा, और अगर मैं x की मल्टीप्लाई कर दूं टू एक्स की तो कितना आ जाएगा सिक्स एक्स की क्यूब, यानी टू एक्स की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा थ्री एक्स स्क्वायर में तो सिक्स एक्स क्यूब आएगा, और जब टू एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा फाइव में तो टू फाइव जा टेन एक्स, घटाएंगे माइनस तो क्या हो गया प्लस, सेम है कट गया, सेम है कट गया, क्या बचा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव। अब देखिए सेम है थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पे, थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, जब भी सेम होता है तो मैंने आपको बोला था कि प्लस वन से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव, तो देखिए माइनस प्लस कट गया, यानी आपने यहां पर प्रूफ कर दिया कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पॉलिनोमियल का क्या है एक फैक्टर है। ठीक है, अब इसका फैक्टर तो हो गया, और इस वाले से मेरे को दो जीरोस भी मिल रखे हैं पहले से। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि अदर जीरोस क्या होंगे, क्योंकि इसकी पावर है फोर, और जिसकी पावर फोर होती है तो उसके चार जीरोस होंगे, पावर थ्री हुई तो थ्री जीरोस होंगे, पावर टू हुई तो टू जीरोस होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास टू जीरोस है और वो इस वाले फैक्टर से होके आए थे, तो अब मेरे को अन्य यानी जो दूसरे दो जीरोस हैं उसको कैसे निकालना है, उसको निकालेंगे हम इस क्वेश्चन से यानी इस वाले से। तो मैंने यहां पे देखा कि 3x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 और हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्योंकि आपने एक फॉर्मूला सुना है कि जो आपका डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस क्या होता है आपका रिमाइंडर, ये होता है। तो आपका डिवाइडेंड कितना है ये वाला है, डिवाइजर कितना ये वाला, क्वोशेंट कितना ये वाला, और रिमाइंडर कितना है आपका जीरो, तो इसको तो लिखो या लिखो बात एक ही है। तो आपने इससे दो जीरोस पहले से निकाल रखे, अब आपको इससे दो जीरोस और निकालने हैं। कैसे निकालेंगे इसको अलग से कर लीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो देखिए 1 जा 1 2 लेके आना है तो फैक्टर क्या बनेंगे 1 जा 1 और 1 पर 2 प्लस 1 भाई 1 और 1 2 और 1 1 जा 1, तो ये होगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 की x में x, 1 की x में x प्लस वन, टू टू के पेयर बना लो, यहां से कॉमन क्या आ गया एक्स, यानी एक्स प्लस वन बच गया, और यहां पे क्या बचा एक कॉमन ले लिया और एक्स प्लस वन बच गया। भाई आपने यहां से एक्स कॉमन लिया, यहां पे पावर टू थी तो एक्स बच गया, यहां से एक्स वन गया एक्स गया तो वन बच गया, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वन कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन एज इट इज। तो देखिए एक्स प्लस वन यानी कि एक्स प्लस वन और x प्लस वन, ये मेरे दो फैक्टर आ गए। तो इफ x प्लस वन इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का वन, क्योंकि ये वन इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मेरे यहां से तो दो जीरो आए हैं, वो कौन कौन से आए हैं माइनस वन और माइनस वन, एक बार इस वाले माइनस वन से आया और एक बार इस वाले से क्या आया माइनस वन आया है। तो मेरे दो अदर जीरो क्या है मेरे माइनस वन और रूट फाइव बाई थ्री और माइनस रूट फाइव बाई थ्री। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका पूरा छह नंबर का क्वेश्चन जो आपका 2019 में आया था, और इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन आते हैं और शायद 2021 में भी इसके क्वेश्चन आए। ठीक है, आपका वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय जी एक्स द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वर रेस्पेक्टिवली फाइंड जी एक्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे देखिए। आपको डिवाइडर दिया है, डिवाइडर एंड जी एक्स से आपको डिवाइड करना है, क्वेश्चन आपको दिया है, रिमाइंडर आपको दिया है, आपको जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आपको मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो डिवाइडेंड होता है वो क्या डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, आपको इन सब की वैल्यू दी हुई है, केवल वैल्यू रखनी है आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, डिवाइडेंड कितना है एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू,
आपका डिवाइजर कितना है, जी एक्स है। क्वेश्चन कितना है आपका, ये है आपका एक्स माइनस टू, और रिमाइंडर कितना है, माइनस का टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर आके कहीं क्यों जाएगी, ये माइनस की है, इधर आके कहीं क्यों जाएगी, प्लस की, यानी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टू एक्स, और ये प्लस फोर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का फोर। बराबर में मेरा क्या चल रहा है, मेरा चल रहा है जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखिए x की पावर थ्री एज इट इज, थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज, x और दो एक्स कितना हो गया, थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर क्या हो गया, माइनस का टू। इधर क्या बचे आपका जी एक्स। अब देखिए जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो कहां चली जाती है, डिवाइड में, यानी कहां भाग गया ये भाग गया आपका डिवाइड में, यानी x माइनस टू आपका कहां चलेगा, डिवाइड में। यानी अगर x माइनस टू इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देता है तो जी एक्स की वैल्यू सिंपल सी बात है आ जाएगी। तो कर देते हैं डिवाइड की इसको अच्छे से, ए लो भाई कर दिया। कैसे करेंगे, देखिए आपको ये करना आता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे भाई इसको डिवाइड, चलिए देखते हैं। यहाँ पे x की पावर थ्री, यहाँ पे x, यानी x की पावर टू की जरूरत है, मल्टीप्लाई की x की पावर थ्री हो गई, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में टू में की, टू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ये क्या हो गया प्लस, कट गया भाई साहब, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस थ्री में से प्लस टू गया, माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया, आपने ऊपर से उतार लिया कितना थ्री एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यानी माइनस की जरूरत है, दूसरा एक्स की पावर टू एक्स की पावर वन, यानी एक्स की भी जरूरत है। जब माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की दो में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का दो एक्स। ठीक है, इसको प्लस कर लिया, इसको माइनस कर लिया, कैंसिल आउट, थ्री एक्स में से टू एक्स गया, कितना बचा एक्स बचा, आपने ऊपर से कर लिया कॉपी टू को, यहाँ पे एक्स यहाँ पे एक्स, जब सेम होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक से, एक से मल्टीप्लाई की सेम टू सेम, माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये आ गया आपका आंसर। तो आपकी जो जीएक्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो बच्चों ये थे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2021 यानी क्लास 10th में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही आपकी सपोर्ट है और यही हमको चाहिए। धन्यवाद।